करते हुए पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव का खुला समर्थन कर दिया है। देवेंद्र यादव ने लालू और तेजस्वी पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया है। देवेंद्र यादव ने टिकट बंटवारे में परिवारवाद को प्राथमिकता और अनाप शनाप तरीके से टिकट बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने पप्पू यादव को चुनाव में जिताने की अपील की। देवेंद्र यादव राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष हैं। पूर्णिया पहुंचने के बाद देवेंद्र यादव ने लालू प्रसाद और आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाया और सियासी बम फोड़ दिया है और पप्पू यादव का समर्थन किया। गड़बड़ी नहीं होता तो मैं कारोबारीकरण और व्यवसायी कर्म की बात जो पार्टी में समर्पित काम करता है एक दिन में लाते हैं, एक दिन में टिकट देते हैं। यहाँ भी यही खेल हुआ, एक दिन में आइए, एक दिन में सिम मिल पाइए। तरफ जो आप लोग सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्ष वाले लोग हैं उसका सबसे बड़ा सिंबल, सबसे बड़ा स्तंभ इस उत्तर बिहार में अभी पप्पू है, क्योंकि जंग के मैदान में, इसीलिए हम आए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, जनता के समर्थन करने। पप्पू यादव ने टिकट के लिए दल बल के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। पप्पू यादव टिकट बंटवारे के पहले लालू से मिले और आशीर्वाद मांगा था। उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन अचानक टिकट आरजेडी के खाते में चली गई और आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से उम्मीदवार बना दिया, जिससे नाराज होकर पप्पू यादव ने निर्दलीय मैदान में कूदकर पूर्णिया की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। अजीज भाई, उनके दादा पिता सब हमें आशीर्वाद देते हैं, इनका सानिध्य और आशीर्वाद का सवाल है। मैं हृदय से देवेंद्र बाबू का, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्णिया जिला के सभी पदाधिकारी का, सुनायन बाबू का, अमन का, सबको हृदय से मैं अंतःकरण से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस संकट के घड़ी जब सबने दिल्ली पटना हमको छोड़ दिया और आप लोग जिस तरीके से बच्चे की तरह गले लगाए, या मैं इस जीवन में एक बड़ी महाभारत की लड़ाई की सूत्रपात एक नियति ने बनाई है उसको अंतिम तक ले जाएंगे। विपक्षी दलों ने मोदी से मुकाबला के लिए इंडिया नाम से गठबंधन बनाया था, लेकिन पूर्णिया सहित कई सीटों पर गठबंधन को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और इस बीच आपको बड़ी खबर पूर्णिया से बता दें, पुलिस ने पप्पू यादव के कार्यालय में छापेमारी कर डीजे प्रचार गाड़ी को जब्त कर लिया है। बड़ी संख्या में पुलिस पप्पू यादव के कार्यालय पहुंची थी और प्रचार गाड़ी को जब्त कर लिया। पप्पू यादव ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। वहीं सदर एसडीपीओ ने कहा कि जांच की जा रही है कि इस गाड़ी का परमिशन है या नहीं। गाड़ी थाने ले जाने के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया।